सो गाइस, एक एरा जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। मतलब गाइस, ये जो आप ड्यूक 390 देख रहे हो, ये भाई अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया से, और ये शायद लास्ट पीस है इस शोरूम का, ये ड्यूक 390। सो जैसा कि गाइस आप लोग जानते हो, जो न्यू ड्यूक 390 है, थर्ड जनरेशन ड्यूक 390, वो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 3,10,000। तो 3,10,000 के प्राइस पॉइंट पे जो न्यू ड्यूक 390 है वो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, और कंपनी ने गाइस इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया है। मतलब जो ड्यूक 390 है सेकेंड जनरेशन, उससे अब डिसकंटिन्यू कर दिया है। अब आपको शोरूम में न्यू ड्यूक 390 देखने को मिल जाएगी। मतलब जो नई KTM ड्यूक 390 है वो अब देखने को मिलेगी। ये बाइक आपको अब शोरूम में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है, ये सेकेंड जनरेशन ड्यूक 390। जैसे गाइस कंपनी ने ये RC मॉडल को चेंज कर दिया, अब आपको पुरानी वाली जो RCs है वो देखने को नहीं मिलता है शोरूम में, आपको न्यू जनरेशन KTM RC देखने को मिलता है। वैसे ही गाइस, जो ड्यूक 390 है ये भी अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया से, एंड अभी कुछ शोरूम्स में आपको सारी बाइक्स मिल जाएगी, ड्यूक 250, ड्यूक 390, 200, बट कुछ दिनों के बाद आपको ये जो बाइक देख रहे हो आप, ये ड्यूक 390 आपको शोरूम्स में देखने के लिए नहीं मिलेगी, बिकॉज ये अब डिसकंटिन्यू हो चुकी है। ये जनरेशन अब ख़त्म हो चुका है, ये एरा ख़त्म हो चुका है इस बाइक का। तो पर्सनली बताऊँ तो मुझे ये वाला ड्यूक 390 ज़्यादा बेहतर लगता था। मतलब इसका जो लुक है भाई, वो नेक्स्ट लेवल लुक था, जैसे कि आप देख सकते हो। स्पेशली वो जो शार्प हेडलाइट है वो ज़्यादा एग्रेसिव था इस ड्यूक 390 का। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि तीनों जनरेशन में से कौन सी ड्यूक 390 बेस्ट है, मतलब जो फर्स्ट जनरेशन ड्यूक 390 थी, फिर ये सेकेंड जनरेशन, एंड जो अभी ड्यूक 390 लॉन्च हुई है थर्ड जनरेशन, तो उन सब में भाई ये ड्यूक 390 बेस्ट थी, एकदम बवाल थी भाई। मतलब ये हर जगह से परफेक्ट थी, मतलब लुक, पावर, परफॉर्मेंस, हर जगह से ये बाइक बेस्ट थी यार। तो ऐसा नहीं है गाइस कि जो न्यू ड्यूक 390 है वो उतनी अच्छी नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। बाइक का लुक बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड बाइक में आपको ज़्यादा पावर भी मिल जाता है, बट इस बाइक को बीट नहीं कर पाएगी भाई, बिकॉज ये एक अलग बाइक हो जाती है भाई, इसका लुक डिफरेंट है एकदम, ये देखो। सो गाइस, जो न्यू ड्यूक 390 है वो आपको शोरूम्स में देखने के लिए मिल जाएगी कुछ दिनों के बाद, बिकॉज बाइक जो है वो ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, एंड जो न्यू ड्यूक 250 है वो भी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है एट द प्राइस ऑफ 2,39,000, यानी 2,40,000 के प्राइस पॉइंट पे जो न्यू ड्यूक 250 है वो भी इंडिया में आ चुकी है, एंड उसमें भी आपको बहुत से नए चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइज, आप लोग कमेंट करके बताना आपको कौन सी ड्यूक 390 ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब ये पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि अब तो भाई ये पुरानी हो चुकी है, या फिर जो न्यू लॉन्च हुई है ड्यूक 390 वो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। तो भाई एक सल्यूट तो बनता है इस बाइक के लिए भाई, बहुत लाजवाब बाइक थी ये, बट अब ये बाइक आपको शोरूम्स में देखने के लिए नहीं मिलेगी कुछ दिनों के बाद, बिकॉज ये बाइक पूरी तरीके से भाई अब डिसकंटिन्यू होने वाली है इंडिया से, ये ड्यूक 390। बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई ड्यूक 200 का क्या होगा, तो भाई ड्यूक 200 जो है वो अभी सेम रहेगा, बिकॉज अभी हाल फिलहाल में ही हमने इसमें एक न्यू अपडेट देखा है, ये LED लाइट वाला, जैसे कि आप देख सकते हो, तो ये अभी सेम रहेगा। इसका अभी कोई न्यूज़ नहीं आया है इसकी, ड्यूक जो 200 है ये चेंज होगी या नहीं, ये अभी ऐसे ही रहेगी, आपको सेम मॉडल में मिलने वाली है ड्यूक 200। तो ये काफ़ी अच्छा है, बिकॉज बहुत से लोगों को यही वाली मॉडल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जय हिंद, जय श्री राम।